साहो बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी या फ्लॉप, कितनी रेटिंग मिली थी इस मूवी को आईएमडीबी से। अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको साहो ये फिल्म तो याद ही होगी। एक्चुअली ये फिल्म आपको उसकी पब्लिसिटी की वजह से नहीं बल्कि प्रभास की वजह से याद होगी, क्योंकि ये फिल्म बाहुबली के तुरंत बाद ही रिलीज हुई थी और बाहुबली कितनी ग्रैंड सक्सेस थी ये आपको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें भी सोने पे सुहागा साहो ये फिल्म प्रभास की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। इसमें उनके साथ श्रद्धा कपूर को फीमेल लीड में लिया गया था। इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। ये फिल्म मेनली एक्शन ओरिएंटेड थी और इसमें खर्चा भी काफी किया गया था, लेकिन बाहुबली के मुकाबले इसने लोगों को निराश कर दिया और इसी की वजह से आईएमडीबी ने इसे आउट ऑफ 10 5.2 की रेटिंग दी है, क्योंकि ये फिल्म इतनी सैटिस्फैक्टरी नहीं थी। इस फिल्म की कहानी भी कुछ आम ही थी, जिसमें एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर कुछ गुंडों से लड़ पड़ता है और किसी ब्लैक बॉक्स की चाबी के खोज में ये सभी होते हैं जिसमें खजाना होता है। इस फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया था और इसमें प्रभास और श्रद्धा कपूर के साथ साथ जैकी श्रॉफ को भी अहम किरदार में देखा गया था। यह फिल्म हिंदी के साथ साथ तेलुगु और तमिल में भी रिलीज की गई थी। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ था, जो कि एक वॉर फिल्म या फिर किसी भी फिल्म के लिए एक हैवी बजट माना जाता है। इस फिल्म का साउंडट्रैक टी सीरीज के बैनर तले रिलीज किया गया था और ये फिल्म 30 अगस्त 2019 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने 433 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जिसने हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर का भी किताब हासिल किया था। इस फिल्म को ऑस्ट्रिया, हैदराबाद, मुंबई, अबू धाबी, दुबई, रोमानिया और यूरोप के अन्य पार्ट्स में शूट किया गया था और इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2017 में शुरू हो गई थी। लेकिन अब दोस्तों, न्यूज ये है कि साहो 2 जल्द ही आने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म के दौरान ही ये अनुमान लगाया था कि इसका सीक्वल भी जल्द ही बनाया जाएगा। अब इसमें प्रभास ही होंगे या फिर कोई और एक्टर होंगे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, और साथ ही इसमें हीरोइन का रोल भी किसे दिया जाएगा ये भी बात अभी डिब्बा बंद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फिल्म में कौन सी जोड़ी को कास्ट किया जाएगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।